तुम्हारे पापा तुम्हें बाल गिफ्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, मानते हैं भाई, ये ऋतिक के बाल ना सही तो ना सही यार, लेकिन बाल तो है ना। नकली बालों से बाला के जीवन में असली बहार लौट आए। बाला, नाम तो सुना होगा। नहीं सुना। आंटी जी, प्रणाम। कहीं पे भी फोटो छापने के पहले हमें दिखाइएगा, हम लुक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आंटी सही कहती, लुक्स में ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कानपुर वापस जाना पड़ेगा। आएंगे ना हर हफ्ते तुमसे मिलने। पक्का? हाँ। मम्मी, पापा, लग रहा हो ना काका। ए, सुनो। ये बाला तुमको कैसा लगता है? चूतिया। अगर तुम्हें किसी दिन पता चले कि हम में कोई खोट है तो। कपड़ों में ना 1900 तो चलता है, पर मेन चीज क्या है? हेयर स्टाइल। खुल जावेगी पोल तुम्हारी, बड़ा भैया बच गए। काफी समय से तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। पता है, हम हमारी बेटी लखनऊ की सुपर मॉडल है, बड़े बड़े घर से रिश्ते आए हैं, लेकिन उसको बाला पसंद आया। तुम बताए तो दिए हो ना उसको। अरे टोपा हो गया क्या भैया, बता रहा है। अरे शादी कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, कोई बताना तो पड़ेगा ना। हमारा भला बुरा ना हम पे छोड़ दो। तुम्हें प्रॉब्लम है ना तुम्हारे गंजेपन से, तो तुम तुम्हारे गंजे सर को अपने नकली बालों से छिपाते फिरो। बेवकूफ कहीं का फालतू इंसान। दिखाओ। मेरी बात तो सुनो एक बार। क्या तुम मेरा पति गंजा है। मत करो, मत जाओ ना, प्लीज मत जाओ।